बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाही अलैही, जो अपनी मार्फत और रूहानियत की वजह से बहुत बुलंद मुकाम रखते हैं, अपनी शहराए आफाक किताब में मौजूद वाकियात में से एक जगह फरमाते हैं कि एक मरतबा एक बुज़ुर्ग एक कब्रिस्तान से गुज़र रहे थे तो आहो बका की आवाज़ सुनकर वहीं ठहर गए। जब वो बुज़ुर्ग कुछ देर वहाँ ठहरे तो उनको पता चला कि एक मुर्दे को कब्र में अजाब दिया जा रहा है और वो अपनी माँ को पुकार कर चीखता और चिल्लाता है। उन बुज़ुर्ग ने कहा कि या अल्लाह, इस पर से ये मिट्टी का तोदा हटा दे ताकि मैं देख सकूँ कि ये कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है। बुज़ुर्ग ने देखा कि वो शख्स सख्त अजाब में मुब्तला है और अपनी माँ को बेइख्तियार पुकार रहा है। वो कहने लगे कि माँ को क्यों पुकारते हो, अल्लाह को याद करो, वो अजाब से निजात दिलाने का आसरा है। तो वो कहने लगा कि मैं दुनिया में जब भी किसी तकलीफ या परेशानी में होता तो अपनी माँ को ही पुकारता और वो मुसीबत टल जाती। चुनांचे अल्लाह ने उसकी माँ के नाम के सदके और उसकी माँ के मोहब्बत के सदके उसको इस अजाब से निजात दिला दी। और बुज़ुर्ग ने फरमाया कि वालदेन के साथ हुस्ने सलूक से और नेकी से पेश आओ, क्योंकि रोज़े महशर और हत्ता के कब्र में दफन होने पर भी उनसे तुम्हारा ताल्लुक़ ख़त्म नहीं होता। चुनांचे उनके साथ दुनिया में ही नेकी का मामला करो, उनके साथ वक्त लगाओ, उनकी खिदमत करो और आखिरत में अपनी जन्नत पक्की कर लो।